नमस्कार। आप फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हो, आप अपनी बॉडी बनाते हो, आप अपने एप्स निकालते हो और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या पता है आपको, आपकी फिजिकल फिटनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हुई ना, तो आपकी फिजिकल हेल्थ कुछ काम नहीं करेगी। सबसे जरूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, न कि आपकी फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ अच्छी है, नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन अपना दिमाग तो सही करिए। आपका दिमाग वीक है, आपका दिमाग कमजोर है, तो फिर आप क्या करोगे, फिजिकल हेल्थ कहां काम आए। तो समय समय पर आप फिजिकल हेल्थ करते हो तो मेंटल हेल्थ भी एक्सरसाइज करें, फिजिकल हेल्थ की एक्सरसाइज के साथ में मेंटल एक्सरसाइज भी करें। अब आप कहोगे सर फिजिकल एक्सरसाइज तो हम हाथ से करते हो और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं उससे हम फिजिकल हेल्थ की प्रैक्टिस करते हैं, तो मेंटल हेल्थ की कैसे करें। बिल्कुल सही बात, मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी। और कैसे किए जाती है आज मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो दिमाग को कसरत कराते रहे। अब आप कहोगे सर कि हम बॉडी को एक्सरसाइज कराए, बॉडी को कसरत कराए, दिमाग को कसरत कैसे, हाउ। बिल्कुल, दिमाग को भी कसरत कराएं, खुद से बात करें, खुद से बात करें, खुद से कि यार इस महीने मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, अगले महीने मुझे क्या करना है, अपनी साल की योजना बनाएं और अपनी कल्पना करें कि मुझे इन फ्यूचर में क्या करना है, अभी क्या करना है। मतलब आप अपने दिमाग को चलाते रहे, मैंने कहने का मतलब चलाते रहे। कहते हैं ना कि खाली दिमाग, दिमाग को भरा रखें, खाली न रखें। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है। क्यों कहते हैं वो, क्योंकि अगर आपका दिमाग खाली है ना, तो तरह तरह के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, तरह तरह की बातें आपके माइंड में आएगी और आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी, एक गलत सोच आपके दिमाग में आ जाएगी। तो कभी भी अपने दिमाग को खाली ना रखें, दिमाग को हमेशा भरा रखें, खुद से बातें करें, तरह तरह की कल्पना करें, मुझे यह करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वो टारगेट अचीव करना है। अपने मन में उम्मीदों के पुल बांधे, उम्मीदों के पुल बांधे, दिमाग को शून्य ना करें, दिमाग को खाली ना रखें। सोचते रहे, सीखते रहे, दिमाग में कुछ ना कुछ नया सोचते रहे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, यार मुझे वो करना है, यार मैं ये कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ सोचते रहे अपने दिमाग और कुछ ना कुछ रोज नया सीखता रहे। भले ही आप छोटी चीज सीखो, लेकिन नया सीखते रहे, हर दिन अपडेट, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप में ज्ञान का भंडार कर लोगे। इसीलिए सोचते रहे, सीखते रहे, इससे क्या होगा, आपके दिमाग की कसरत होगी और आपको कुछ करने का एटीट्यूड आपके मन में पैदा होगा, आपके दिमाग में पैदा होगा। इसलिए एक्सरसाइज करते रहे दिमाग की, सोचते रहे और सीखते रहे, शौक पूरे करें, अपने शौक भी पूरे करते हो, शौक भले ही छोटे हों या बड़े हो, बड़े अगर आपसे पूरे नहीं हो पा रहे तो छोटे छोटे शौक पूरे करिए, उससे भी क्या होगा, आपका मन खुश होगा, आपके दिल में हैप्पीनेस आएगी और वह हैप्पीनेस कहाँ जाती है, दिमाग में जाती है और दिमाग एकदम फुली फ्रेश हो जाता है, आप एकदम खुश हो जाते हो, आपका दिमाग अच्छा काम करने लग जाता है। दोस्तों से मिले और खुश रहें, ध्यान रखना ये हर इंसान के सीखो, जीवन में सुख दुख आते रहते, दोस्तों से मिले, फैमिली से मिले, खुश रहे, हैप्पी रहे, ध्यान रखना दिमाग का तार खुश रहने से भी रिलेटेड है। आप दुखी रहोगे तो आपका दिमाग भी दुखी रहेगा, इसलिए ज़्यादा दुखी न रहे, दोस्तों से मिले, थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए निकाले, अपने परिवार के लिए निकाले, तो आप खुश रहोगे ना, तो आपका दिमाग भी तेज रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने दिमाग के लिए कसरत करनी होगी। अगर आपका दिमाग इन बातों में चलेगा ना, कुछ सीखते रहेंगे, कुछ कल्पना करेंगे, कुछ दिमाग में नए नए आइडिया लाएंगे, तो आपका दिमाग चलता रहेगा और आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए दिमाग को कभी खाली मत रहने देना, दिमाग को हमेशा भरा रहने देना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है।